तुलसीदास दुबे जो लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारण के अधिकारी। बीजेपी वालों का संघ वालों का कहना है कि तारण मतलब देखना होता है, तो चलो ठीक है हम तुमको नया दोहा दे रहे हैं, उसको तुम उसमें फिट कर दो। शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी, शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी सकल तारना के अधिकारी। बक्सर में आज तक अश्वनी चौबे का कभी अम्बेडकर के मूर्ति के पास, अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास कभी नहीं बैठा होगा, वही बक्सर चौसा में अंबेडकर जी के मूर्ति के पास बैठा हुआ था चौबे। क्या जरूरत पड़ी आज अंबेडकर जी के पास? अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग आज अंबेडकर जी के मूर्ति के पास क्या जरूरत थी बैठने का? वो हीरो नहीं है, ठीक है ना, वो गोबर है, गोबर, गोबर है, आतंकवादी है, अंग्रेज का साउथ मूवी आया है साउथ, वो आतंकवादी है ना, वही गोवलकर गोडसे, हाँ तो सही बोले, वो आतंकवादी है, वो देश विरोधी आदमी है, वो अंग्रेज का पैदाइश है, उसको भगाना है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूँ आपके साथ अमन। पंच द थॉट एक किताब है और उस किताब को लिखे हैं गोवलकर, लेकिन वो किताब को आज पटना के कारगिल चौक पे जलाया गया। पंच ऑफ थॉट जो है गोवलकर का, जो 80% हमारे हिंदुस्तान में जो आबादी है, हाँ, अति पिछड़ा का, हरिजन का, SC ST का, OBC का, इसके विरोध में ही सारा चीज लिखा गया है, और जो 2% जिनका आबादी है उसके बारे में लिखा गया है। ये किताब हम लोगों के लिए नहीं है, और मेन मकसद जो है जो रामायण पे चला जा रहा है, जो रामायण पे कह रहा है कि रामायण मेरा ग्रंथ है, और माननीय शिक्षा मंत्री जो बोले हैं और रामायण में जो कुरीतियाँ लिखा हुआ है, श्लोक जो है, इनका विरोध शिक्षा मंत्री किए, लेकिन भाजपा के कुछ छुटबैये नेता और हिंदू के कुछ छुटबैये हिंदू वो कहना चाह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी बयान दिए हैं वो बहुत गलत किए हैं, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है, ये हैं वो हैं, मतलब इसका हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री का समर्थन में आल गोवलकर का ये किताब जलाने का काम किए, और हम चेतावनी देना चाहते हैं जो कहना चाहता है कि हम हिंदू नहीं है, हम 80% हैं, 80% जिस दिन जग जाएंगे हम, ये देश और बाबा साहब के संविधान से चलता है, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, न कि गोवलकर और ये पंच ऑफ थॉट को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से देश चलता है, संविधान को मानते हैं, लेकिन जब आप संविधान को कर रहे हैं संशोधन कर रहे हैं, लेकिन जिस रामायण में जो लिखा हुआ है कुरीतियाँ समाज के प्रति, महिला के प्रति, पिछड़ा के प्रति, दलित के प्रति, उसको उसका विरोध चंद्रशेखर जी ने किया, और 110% वो सही चीज़ बोले हैं, उजागर किया। इससे पहले भी नागार्जुन, इससे पहले भी और बहुत सारे लेखक इस चीज़ का विरोध किए हैं, लेकिन आज जब चंद्रशेखर जी किए हैं तो ये लोग को आग लग गया है, पता नहीं ये लोग कहता हिंदू, हम भी हिंदू हैं, देख लीजिए हम भी हिंदू हैं, और ये लोग सर्टिफिकेट देना चाह रहा है हिंदू का, और ये लोग RSS और नागपुर से हम लोग का हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग को कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा हिंदू का। और जो ये अश्वनी चौबे जो ये आंसू रो रहे थे, घड़ियाली जो आंसू बहा रहे हैं, इसका बेटा, इसका बेटा का नाम है शाश्वत चौबे, इनको मैं भागलपुर से जानता हूँ, और ये शाश्वत चौबे भागलपुर दंगा का मुख्य आरोपी था, और ये लोग पे एक FIR ने बना छुपा के रखा था, सरकार में है, और अश्वनी चौबे को हम कहना चाहेंगे आपको अगर राम से इतना मोहब्बत है, डायरेक्ट आप अश्वनी चौबे पे पहले क्यों गए? कहाँ जाइएगा? कहाँ नहीं जाएंगे, एकदम जाएंगे। अश्वनी चौबे, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, केंद्रीय मंत्री से नहीं होता देश, केंद्रीय मंत्री से नहीं चलता देश, जनता से चलता। आज क्यों रो रहे थे पता आपको? हमको उनका एक साथी बक्सर चौसा में मर गया था, इसके इसलिए रो रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, वो जो है ना बक्सर में आज तक अश्वनी चौबे का कभी अंबेडकर के मूर्ति के पास, अंबेडकर जी के मूर्ति के पास कभी नहीं बैठा होगा, वही बक्सर चौसा में, वही बक्सर चौसा में अंबेडकर जी के मूर्ति के पास बैठा हुआ था चौबे। क्या जरूरत पड़ी आज अंबेडकर जी के पास? अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग आज अंबेडकर जी के मूर्ति के पास क्या जरूरत थी बैठने का? अश्वनी चौबे को
लेना चाहते हैं, अगर राम का भक्त समझ रहे हैं अपने आप को, तो आप अपने नाम के आगे अश्वनी राम लिखिए, और जो राम लिखता है देश में वो ओरिजिनल राम का वंशज है, अश्वनी चौबे राम का वंशज नहीं है। बाबा साहेब भी मनुस्मृति को जलाए थे, आप भी जला रहे हैं, जो पंच ऑफ थॉट है, मतलब बाबा साहब से प्रेरित है क्या? एकदम बाबा साहब से। आज बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग 80% आबादी का हाल ये लोग तो बेदहाल करके रखा ही है, और कहाँ रहते पता नहीं। आज रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, दाई का काम करने वाला कौन है ये तो बताइए। लेटरिंग रूम का टेंडर ये लोग लेता है, लेकिन उसको साफ करने वाला कौन है ये तो बताइए। ये लोग 80% इसका आरक्षण, हम लोग का कितना संघर्ष हुआ, बहुत नेता शहीद हुए, ठीक है ना। ये लोग जगदेव प्रसाद को गोली मारने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो फिल्म आ गया है गॉडसे गांधी को, उसमें गांधी को गुंडा बताया गया, गॉडसे को हीरो, गॉडसे हीरो। तो ये क्या कीजिएगा, देश में जो किसी का सुनता है विपक्ष का, ये लोग का जो मन में होता है वही चलाता है, वो हीरो नहीं है, ठीक है ना। वो गोबर है, गोबर है, आतंकवादी है, अंग्रेज का साउथ मूवी आया है साउथ, वो आतंकवादी है ना, वही गोवलकर गॉडसे। हाँ तो सही बोले, वो आतंकवादी है, वो देश विरोधी आदमी है, वो अंग्रेज का पैदाइश है, उसको भागाना है। उसके वंशज को बहुत जल्द 80% झगड़ा है बहुजन, बहुजन अगर एक होगा, हम बहुजन से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी एकजुट हो जाइए। ये लोग 2% मनुवादी सामंती विचारधारा के लोग हम लोग को जीने नहीं देगा, इसलिए एक होइए, धर्म में बटिए नहीं, जाति में बटिए नहीं, 80% एक गोलबंद हो, ये अंग्रेज को दलाल को खदेड़ देंगे। रामचरितमानस के आप विरोध हैं, तो आप रामचरितमानस को क्यों? अरे भैया बिल्कुल एक मिनट, रामचरितमानस का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो कुरीतियां लिखा हुआ है उसमें दोहा छुपाई अश्लोक, इसमें जो महिला के प्रति शोषित समाज, वंचित समाज के प्रति महिला को अपवित्र बताया गया है 626 पेज में रामचरितमानस में, उसी का तो विरोध कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, उसी के समर्थन में हम लोग आज गॉडसे का पंच ऑफ थॉट को जलाए हैं। रामचरितमानस को क्यों नहीं जलाए? रामचरितमानस को उसका श्लोक जो लिखा हुआ है, रामचरितमानस को पूरे नहीं जलाए हैं, लेकिन जो महिला के प्रति वंचित समाज के प्रति जो लिखा हुआ उनको जलाए हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर और मंडल को मानने वाले लोग हैं, और उसके खिलाफ जो भी धर्म ग्रंथ है वह जलेगा, और यह शुरुआत है अभी, हर जिले में जलेगा, हर राज्य में जलेगा। संविधान को कमजोर करने वाले लोगों की जो साजिश चल रही है, जो मनुवादियों की साजिश है, उसको हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। कौन नहीं जानता है जो मनुवादी लोग को जो मानने वाला ग्रंथ है, जो बंच ऑफ थॉट है, जो मनुस्मृति है, वह महिलाओं के बारे में कितने घिनौने शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है, उसमें शूद्रों को कितनी गालियां दी गई है, उसमें वंचितों के ऊपर क्या क्या नहीं बोला गया है। और ऐसे ग्रंथ को मानने वाले जो लोग हैं वह समाज में, वह सिस्टम में जहर बोने का काम करता है, इसलिए ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ हम लोगों का जो यह आंदोलन है यह आगे भी किन पंच ऑफ थॉट में किन श्लोकों आपको कौन कौन श्लोक आपको गलत लगा? पंच ऑफ थॉट श्लोक नहीं है, वह गोलवलकर का एक विचार है, जो मनुवादियों का जो विचार है, जो अंबेडकरवाद के खिलाफ, जो महिलाओं के किन किन कौन कौन सा विचार है? रामचरितमानस के जिन श्लोक पे आज हाय तोवा मचाए हुए हैं मनुवादी लोग, उस श्लोक में जो कहा गया है ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब है तारण के अधिकारी, तो ऐसे घिनौने श्लोक क्या लिखा हुआ, ऐसे घिनौने श्लोक का, ऐसे घिनौने श्लोक का समर्थन करने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे घर में महिलाएं नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है? और अगर तुम चाहते हो इस श्लोक का तुम विरोध नहीं करते हो तो समझो तुम जाहिल हो, गवार हो, इस धरती पे बोझ हो, जो ऐसा सोच सकता है, जो ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब है तारण के अधिकारी, यानी मारने, जो ढोल पे जितना मारो उतना बजता है, शूद्र को जितना पीटो उतना वो
जो काम करेगा उतना बजेगा, महिलाओं को जितना मारो। क्या विरोध में है? एकदम विरोध में है। तुलसीदास दुबे जो लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है तारण के अधिकारी। बीजेपी वालों का, संघ वालों का कहना है कि तारण मतलब देखना होता है, तो चलो ठीक है, हम तुमको नया दोहा दे रहे हैं, उसको तुम उसमें फिट कर दो। शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी, शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी सकल तारना के अधिकारी, इसको फिट कर दो उसमें। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है बीजेपी वालों के अनुसार होता है कि शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला को देखना चाहिए, लेकिन जो तुलसीदास दुबे लिखे थे उसके अनुसार होगा इसका। दुबे काहे कर रहे हैं जी? कि जो शूद्रों, तुलसीदास संत थे, इतना अच्छा आदमी थे, अब दुबे बता रहे हैं? नहीं, शूद्रों का अपमान करने वाले ब्राह्मण, ये जो होता है ब्राह्मण शुक्ला तिवारी दुबे पिक वाला चोट्टा, देखिए एक दूसरा नहीं, चोट्टा मतलब लंपट लुच्चा चोट्टा, कौन तुलसीदास दुबे जो थे यही ना थे, वो लिखे हैं कि शूद्र भले के, शूद्र के पास भले जितना भी ज्ञान हो वो पूजनीय नहीं है, लेकिन शर्मा द्विवेदी के पास भले ज्ञान नहीं हो, ये लुच्चा लंपट वो कुछ भी है उसको पूजे करे। हाँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं हूं अमन, पटना।